आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं खरगोन लोकसभा क्षेत्र के बड़वानी जिला मुख्यालय के मतगणना केंद्र के बाहर। मतगणना लगभग पूरी होने को है, फाइनल आंकड़ा दर्शकों को इसी बात का इंतजार है कि आखिरी वाला आंकड़ा क्या है और आखिरी अंतिम आंकड़ा क्या आया है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये तो सुबह से हम आपको बताते रहे थे, लेकिन अब फाइनल आंकड़े के करीब ये खरगोन लोकसभा सीट का आकलन पहुंच चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि खरगोन लोकसभा सीट से दो प्रत्याशी मैदान में थे, गजेंद्र सिंह पटेल भाजपा से हैं और पोरलाल खरते कांग्रेस से हैं। फिलहाल गजेंद्र सिंह पटेल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभी की अपडेट ये है कि 1,28,635 मतों से गजेंद्र सिंह पटेल भाजपा से हैं जो आगे चल रहे हैं। लगातार बढ़त बनाई हुई है और ये आंकड़ा अब फाइनल आंकड़े के करीब स्थिति में पहुंच चुका है। इसके आगे या इसके पीछे थोड़ा बहुत अंतर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब फाइनल आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। बड़वानी जिले की अगर मैं बात करूं कि विधानसभा में कहां किसे ज्यादा लीड मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बड़वानी, राजपुर और पानसेमल तीनों ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल को लीड मिली है हजारों की संख्या में। जी हां, लीड मिली है, बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही साथ सेंधवा विधानसभा बड़वानी जिले की इकलौती विधानसभा रही है जहां पर कांग्रेस को लीड मिली है। जी हां, पोरलाल खरते को लीड मिली है, वो भी 3,705 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते को सेंधवा विधानसभा से लीड मिली है। इसी के साथ अगर मैं खरगोन जिले की बात करूं तो खरगोन जिले की तीन विधानसभाएं कसरावत, महेश्वर और खरगोन तीनों ही जगह से बड़ी भारी बढ़त मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल को। इकलौती विधानसभा बची है भगवानपुरा जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। कुल मिलाकर दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी को 2 विधानसभाओं में लीड मिली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल को 6 विधानसभाओं से लीड मिली है। इसी के साथ ये आंकड़ा 1,28,635 मतों से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल आगे चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जी हां, 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेता इस चुनाव में हार की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, कमलनाथ का किला अब उस पर भी कील ठोक दी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने। विवेक बंटी साहू नकुलनाथ से भारी संख्या में आगे चल रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, रतलाम से कांतिलाल भूरिया 1,00,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ धार लोकसभा जो कि आदिवासी बाहुल्य लोकसभा है वहां से भी 1,80,000 मतों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है और खरगोन लोकसभा की तस्वीर भी हमने आपको बता दी है। न्यूज लीडर्स पर लगातार बने रहिए, फाइनल आंकड़ा कुछ ही देर में अधिकृत घोषणा हो जाएगी कि आखिर खरगोन लोकसभा सीट पर विजय किसे मिली है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज लीडर्स। न्यूज लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी, बड़वानी।